हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, टुडे वी आर लर्न अबाउट ए न्यू टॉपिक, एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, कि हवा सब दिशाओं के अंदर बहती है, जाती है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको रीड कर रहे हैं। प्लेस ए ट्यूबलर इन फ्रंट ऑफ ए लिट कैंडल। हमने क्या किया, एक स्थान पर एक क्या रख रखी है, कैंडल रखी हुई है। ये देखिए लिखा हुआ है बॉक्स, इधर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कैंडल है। और नाउ ब्लो द कैंडल, कैंडल को क्या कर दिया हमने, बुझा दिया। ब्लोविंग सेंड द एयर ऑल अराउंड द ट्यूबलर शेप एंड एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम। यानी जैसे ही आप कैंडल को फूंक मारते हो, बुझाते हो, उसमें से क्या धुआं निकलता हुआ क्या कर रहा है, एक ट्यूबलर पतली सी ग्लास टाइप की शेप में क्या कर रहा है, जल्दी से चला जा रहा है बुझाने के बाद। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा दिया। ट्राई ब्लोविंग द कैंडल बाई यूजिंग समथिंग रेक्टेंगुलर और स्केयर, ए टिश्यू बॉक्स और फॉर एग्जाम्पल। यानी कि क्या किया, ट्राई ब्लोविंग, जो बुझा हुई कैंडल का जो धुआं है वो क्या है, कभी रेक्टेंगुलर शेप में, कभी स्केयर शेप में, कभी टिश्यू बॉक्स की टाइप में, इस तरह के एग्जाम्पल का बनता हुआ। द फ्लेम डज नॉट गो आउट बिकॉज द एयर फ्लो अराउंड द कॉर्नर एंड देन गोज स्ट्रेट, नॉट रीचिंग द फ्लेम बिहाइंड इट। यानी इन सब के बावजूद भी क्या है, द फ्लेम डज नॉट गो आउट, जो उसका फ्लेम है वो नहीं जा रहा है, बिकॉज क्योंकि द एयर फ्लोज, हवा चल रही है, द कॉर्नर अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर से होती हुई देन गोज स्ट्रेट, सीधी जा रही है, नॉट रीचिंग द फ्लेम बिहाइंड, बिहाइंड मतलब किसी भी चीज़ के पीछे नहीं वो छुप के बैठ रही है। दिस शोज दैट एयर मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, इससे पता लगता है कि हवा जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है। एयर कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हवा क्या है, अपवर्ड ऊंचाई की तरफ ऊंची डायरेक्शन में जाती है। आवर एटमोसफियर इज इन थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ, अर्थ के चारों ओर हमारा एटमोसफियर की एक पतली सी लेयर बनी हुई है। इट इज अबाउट 480 किलोमीटर थिक, वो 480 किलोमीटर चौड़ी है। देयर इज नो एग्जैक्ट प्लेस, उसका कोई मतलब एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, वेयर द एटमोसफियर एंड्स, एटमोसफियर का कहीं पर भी एंड नहीं है। इट जस्ट गेट्स थिनर एंड थिनर, और पतली यूटेंसिल इन मार्स इन टू द आउटर स्पेस, जो कि हमारे क्या है, आउटर स्पेस पे है, हमारे ऊपर वाले स्थान पर है। द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट लेयर, एटमोसफियर की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, कौन कौन सी है वो देखते हैं हम नेक्स्ट में। ये देखिए जी, लेयर ऑफ एटमोसफियर दिया गया ना, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, 5 लेयर के अंदर इसको डिवाइड किया गया, एंड 4 पुशेज किया गया, 4 उसके आगे डिवाइड किए गए हैं। द 5 लेयर आर ट्रोपोस्फियर, सेट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये इसके क्या है, 5 पार्ट्स हैं, और इनके क्या है, ईच लेयर हैज इट्स ओवन करेक्टरिस्टिक फीचर, इनके अपने अपने क्या है करेक्टरिस्टिक्स, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ये आपने लर्न करना है इसको अच्छे से। सबसे पहले आपने क्या है, एटमोसफियर का फिर डायग्राम बनाना है, फिर अपर एटमोसफियर, मिडल एटमोसफियर एंड लोअर एटमोसफियर, और इनके आगे क्या है पार्ट्स डिवाइड करने हैं आपने। अपर के कौन कौन से, एक्सोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, मिडल के कौन कौन से, मेसोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, लास्ट वाले का है ट्रोपोस्फियर, और इनकी क्या है अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, जैसे थर्मो पुशेज, मेसो पुशेज, फिर क्या है स्ट्रेटो पुशेज एंड ट्रेपो पुशेज। इसका आगे क्या दिया है, बिटवीन ईच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज ए बाउंड्री टर्म्ड एज ए पुश, प्रत्येक जो लेयर है वो बीच के बीच में एटमोसफियर है और उसकी एक बाउंड्री बनी है जो उसको पुश कर रही है। एट दीज पुशेज देयर ऑक्यूर मैक्सिमम चेंज बिटवीन द लेयर स्फीयर बिकॉज पार्टिकल फ्रॉम द लोअर लेयर एंड अपर लेयर मिक्स इन दीज रीजन्स। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो ये इस तरीके से ये दबाव डाल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कर रहा है, उसकी लेयर को चेंज कर रहा है, उस पर दबाव की वजह से उसके पार्टिकल्स जो है वो लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ जा कर के मिक्स हो रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर। इट दीज बाउंड्रीज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी इन बाउंड्रीज से ऊपर जो भी चीज चल जाती है तो उनका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है, बस उनकी हाइट ही इंक्रीज होती है। इसके बारे में आप अपनी बुक में अगर ओपन करोगे तो नेक्स्ट पेज पे और भी ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसके बारे में बताया गया है, आप उसको भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद अपना बुक वर्क करेंगे बेटा, ठीक है।
तो इस लेसन को अच्छे से रीड करना है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।